किसी कुत्ते को मारना हो तो अफवाह फैला दो कि वह पागल है। ठीक उसी तरह किसी इंसान को अगर बर्बाद करना हो तो ऐलान कर दो कि वह देशद्रोही है। दरअसल ऐसा ही कुछ हुआ था भारत के रॉकेट साइंटिस्ट नम्मी नारायण के साथ, जिनके ऊपर झूठे आरोप लगाए गए। 50 दिनों तक जेल के अंदर रखा गया, मेंटली और फिजिकली असॉल्ट किया गया। पर इनके साथ ऐसा हुआ क्यों था? दरअसल ये एक ऐसे क्रायोजेनिक इंजन पर काम कर रहे थे जो कि भारत को अंतरिक्ष के क्षेत्र में 20 साल आगे ले जाता, नासा के बराबर में इसरो को खड़ा कर सकता था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नारायण जी का ये केस 25 वर्षों तक चला, जिसमें इनकी फैमिली ने भी काफ़ी कुछ सहा। लेकिन 2018 में आए नतीजे के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि नम्मी सर पर लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं। इसकी वजह से उन्हें 1.3 करोड़ का मुआवजा भी दिया गया। 2019 में नम्मी नारायण सर को पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया।